वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि टाइमलाइन तय कर शेष भूमि की खरीद और अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए। इस काम में तेजी लाने के लिए अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों के बीच गांव का आवंटन कर दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने लिए आवंटित गांव में जाकर एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में पड़ रही जमीनों के काश्तकारों से मिलकर भूमि खरीद की कार्रवाई पूरी कराएंगे। इस दौरान मुख्य सचिव ने गोरखपुर जिले द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष भूमि की खरीद किए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की और निर्देश दिए कि अधिकारी अवशेष भूमि की खरीद 31 जुलाई तक हर हाल में कर ले। स्वीकार है, लेकिन NHAI में अगर कोई व्यवस्था नहीं है